क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करें, जो कि बीसीसीआई की मीटिंग से बाहर निकल कर आई है। यूएई में ही खेले जाएंगे आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच, बीसीसीआई ने लगाई मुहर। बीसीसीआई ने शनिवार को हुई स्पेशल जनरल मीटिंग में आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों को सितंबर अक्टूबर के बीच यूएई में कराने के फैसले पर मुहर लगा दी है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस बात की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई ने यह फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि सितंबर अक्टूबर में भारत में आमतौर पर मौसम खराब रहता है। गौरतलब है कि बायो बबल में कई खिलाड़ियों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 4 मई को बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। इस मीटिंग से पहले हालांकि बोर्ड यह संकेत दे चुका था कि यूएई में ही आईपीएल 2021 के बचे हुए 31 मैच खेले जा सकते हैं। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा था कि टूर्नामेंट के बाकी बचे हुए मैचों को 3 हफ्ते में खत्म कराया जाएगा, जिसमें 10 डबल हेडर मुकाबले भी शामिल है। अधिकारी ने कहा है कि लीग के शुरू होने की तारीख स्टेक होल्डर को 18 से 20 सितंबर बताई गई है। 18 सितंबर शनिवार है, वहीं 19 सितंबर रविवार है, लिहाजा बोर्ड लीग को इन्हीं तारीख से शुरू करना चाहेगा। इस तरह फाइनल 9 या 10 अक्टूबर को हो सकते हैं। बीसीसीआई ने इस बैठक में यह भी तय किया कि वह आईसीसी से टी20 वर्ल्ड कप को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले भारत में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए इंतजार करने को कहेगी। आईसीसी की बैठक 1 जून को होने वाली है। इसके अलावा घरेलू खिलाड़ियों को भुगतान के मुद्दे पर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं की गई। खिलाड़ियों को कोरोना के चलते कई टूर्नामेंट रद्द या स्थगित होने के बाद मुआवजा दिया जाना था। मीटिंग में मौजूद कई एसोसिएशन में से एक ने इस मुद्दे को चर्चा के लिए उठाया, लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि यह एजेंडे का हिस्सा नहीं है।